आवैजगे अमृतसर नगर में भाग्यशाली पंडित श्री घंटा राम जी की धर्म पत्नी तार जया श्रीमती भगवंती जी के अनादिशक्ति गुरुओं के गुरु प्रभुओं के प्रभु प्रभु रामलाल जी के मातृश्री के रूप में अब तीन होगी 51 वास करेगी इसी शक्ति का तीसरा दे प्राणी मात्र के उद्धार के लिए कल्पांतर अनश्वर रहेगा। ये महापुरुष जगत के धारभूता महाशक्ति के अवतार व सृष्टि स्थिति आदि महाशक्ति संपन्न होंगे। महर्षि काव्य सुंदर रचित कुमार नारायण सचिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पुरंदर भगवान की जय। योगीराज श्री सद्गुरुदेव पुरंदर भगवान की जय। योगेश्वर स्वयं मुनकराज पुरंदर भगवान की श्री कन्ना मई सदगुरु माता जी महाराज मुन्नो सुंदर करे जो दे ओए बालक मुन्नो दुखों से पार ते हार मुलक राज के से वक तुझे मशकार श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरण श्री सतगुरु जी की जय। आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी जीवन मेरा विधन्या बनाएंगे राम जी जीवन मेरा विधन्या बनाएंगे राम जी सबरी संवार आएंगे राम जी आंखों से रोज अपने राहें पुकारती कांटा लगे न कोई कोमल है राम जी कांटा लगे न कोई कोमल है राम जी सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी समारे
ना जिया प्रचलन ऐसे बने हुए हैं जो आध्यात्मिक तत्व से या ज्ञान के विरुद्ध हैं, उनके प्रतिकूल हैं। शास्त्रों में तो ऐसा आध्यात्मिक विधान है कि जो संकल्प हम प्रभु से करते हैं, प्रभु को जो वचन देते हैं, उसे फिर हर परिस्थिति में निभाना पड़ता है। मैंने महंतों के, संतों के मुख से श्रवण किया है, ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं, मगर उनसे सुना है। प्रभु चरणों में आने से पहले वैष्णो माता का घर में जगराता कराया करते थे, और एक महापुरुष थे, वो जागरण करने आते थे। जागरण करने से पहले एक संकल्प करना होता था हमें कि हम ये जागरण की जो तिथि निर्धारित कर रहे हैं इस पे जागरण कराएंगे, और उन्हें भी बातें होना पड़ता था जब वो संकल्प लेते थे हमारे से। संकल्प रूप में हम कुछ चावल इत्यादि जो हमारे शुद्ध माने जाते हैं इन कार्यों के लिए, गुड़ चावल इत्यादि जब वो लेते थे तो वो भी एक संकल्प करते थे कि इस समय में, इस दिन मैं ये जागरण करने आऊंगा। वो भक्ति का एक पवित्र वो था, कोई आडंबर नहीं था, और वो बताया करते थे कि ये जो तिथि हमने निर्धारित कर ली, हम दोनों इसके लिए वचनबद्ध हैं। अगर हमारे घर में कोई मौत भी हो जाती है तो ये वचन टल नहीं सकता। मेरे घर में मौत हो गई तो मैं नहीं पीछे हट सकता, और उनके घर में अगर मृत्यु हो गई तो वो भी नहीं हट सकते। परंतु ये बातें ज्ञान की बातें हैं जो गुरु की शरण में होते हैं। ये संसार तो सारा अविद्याग्रस्त है। हम जीव जितने भी आते हैं संसार में, ये अविद्या को हम साथ लाते हैं अपने जन्म के साथ, और उसमें हमें
ठीक या गलत का बोध नहीं होता, अनुचित और उचित का बोध नहीं हो पाता, केवल जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। अविद्या का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा, और गुरु का अर्थ होता है जो हमें इस अंधेरे से निकाल के प्रकाश में डाल दे। यदि हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होती, हम गुरु की शरण नहीं लेते, फिर तो हम संसार के इस अंधकार में भटकते रहते जाओ कपड़े उठा कर आओ घर पे। फिर जो समाज ने ये रीति रिवाज बनाए हैं कि कृषि की मृत्यु पर इतने दिन जोत नहीं जगानी, इतने दिन भक्ति नहीं करनी, इसको अगर हम बाहरमुखी उसमें प्रणाली में देखें तो इसका भाव क्या होता है कि प्रभु आपने हमारा जीव छीन लिया, अब हम आपकी आरती नहीं करेंगे, हम आपसे रुष्ट हैं। इस प्रकार के भाव होते हैं, जबकि प्रभु तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। जो भी जीव वो संसार में भेजते हैं उसकी आयु उसके श्वास निर्धारित करके भेजते हैं, वो तो डेस्टाइंड होता है, वो तो बदल नहीं सकता। वो क्षण जिस समय उस जीव को अपने ये सांसों की श्रृंखला जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त थी समाप्त करके चले जाना है। हम जीवों को उसका बोध नहीं होता, वो ईश्वर जानता है, इसलिए हम तो अपने क्रियाकलाप अपनी सुविधा के अनुसार रख लेते हैं। जैसे इस परिवार का ये वार्षिक उत्सव निर्धारित होता है, लगभग इसी तारीख को निर्धारित होता है, 28 अक्टूबर का दिन, और यही समय होता है। तो ये कोइंसिडेंस है कि उस जीव के चले जाने के साथ ये मिश्रित हो गया। इस परिवार का मैं हौसला और इनकी प्रभु चरणों में आस्था देखता हूँ कि इन्होंने इस पाठ को कैंसिल नहीं किया, इससे इन्हें कोई अभिशाप नहीं मिलेगा, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, और वो आत्मा जो इस संसार से गई है उसको अपनी यात्रा में कितना सुगमता होगी, कितना प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, ये प्रभु की आवश्यकता तो हमें हर पल रहती है। वो सौभाग्यशाली आत्मा है जिसके महाप्रस्थान पर ये प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया। ये कोई दिखावा नहीं था, कोई अहम भाव नहीं था, एक संकल्प किया हुआ था कि प्रभु का ये यज्ञ हमने इस तारीख को करना है, जिसे इन्होंने संपूर्ण किया। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना हौसला केवल मात्र उसी से उसी में हो सकता है जिसमें प्रभु की अनन्य भक्ति हो और गुरु द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त हो, गुरु द्वारा उसका अंधकार मिट चुका हो, वही इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं और इनकी प्रभु भक्ति की दाद भी देता हूं, जो ये इस प्रकार की स्थिरता इस परिवार में दिखाई। हम सबको इन चीजों से एक सबक मिलता है, शिक्षा मिलती है कि ऐसे काल में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और समाज की जो ये बंदिशें बनी हुई हैं, जो अंधकार युक्त है, धीरे धीरे उनका परित्याग करना चाहिए। इस गांव में अब इतने प्रभु भक्त यहाँ उपस्थित हैं, वो गुरु की शरण में नहीं है, तो इसलिए एक इतना जल्दी परिवर्तन लाना मुश्किल होता है कि उन्हें इतना ज्ञान उनके अंदर आ जाए। जब तक वो गुरु शरण में नहीं आते, गुरु की कृपा नहीं होती, तो तब तक ये प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल जय।